नमस्कार विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसमें राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार के बारे में बात करने वाले। टॉपिक का नाम रहेगा राजस्थान के स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले कि राजस्थान में सूर्य उदय का समय, राजस्थान में सूर्य उदय का समय। तो सूर्य उदय का समय की अगर बात करें तो ये एवरेज माना जाता है 6:15। कितने बजे हैं राजस्थान में सूर्य अस्त का समय? 6:24। कितना होता है राजस्थान में सूर्य अस्त का समय? बताइए कितना है 6:24। 6:24, 6:24 और ये क्या होती है PM। ये आपको ध्यान रखना। अब बताइए इन्हीं के अकॉर्डिंग आप देखिए दिन बड़ी होती है या रात बड़ी होती है, दिन बड़ा होता है या रात बड़ी होती है? देखो देखो, सूर्य उदय 6:15 और अस्त 6:24 राजस्थान। बताइए दिन बड़ा होता है या रात? यहां दिन की अवधि 12 घंटे 9 मिनट है राजस्थान में, कितनी है? जबकि रात्रि की या रात की अवधि कितनी होगी? 11 घंटे 51 मिनट। एग्जैक्ट डेटा है, ये याद रखना। राजस्थान में दिन के अवधि, राजस्थान में रात के अवधि, एक तो दिन की अवधि की बात हो रही है और एक रात की अवधि। बताइए दिन की अवधि कितनी होगी? 12 घंटे 9 मिनट, ये होगी ना। रात की अवधि क्या होगी? 11 घंटे 51 मिनट। 11 घंटे 51 मिनट। ये इससे संबंधित ये जानकारी, सूर्य उदय अस्त दिन की अवधि रात की अवधि। अब अपने बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो ये दिशा कौन सी है? ये कौन सी है? ये और ये दिशा पश्चिम। अब बताइए यहां पर पूर्वी बिंदु कौन सा है? सिलाना गांव, सिलाना
गांव। और पश्चिमी बिंदु कौन सा है? कटरा गांव। अब बताइए सूर्य पूर्व में उदय होता है, सबसे पहले सूर्य उदय कहां होगा? सिलाना गांव में होगा ना। अरे सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम की तरफ जाता है, तो सबसे पहले सूर्य उदय कहां होगा? सिलाना गांव। तहसील का नाम राजा खेड़ा तहसील, जिला धौलपुर, जिला धौलपुर। अब आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय कहां होता है? सिलाना गांव, राजा केड़ा तहसील, जिला धौलपुर। राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त भी कहां होता है? जहां पे पहले उदय हो रहा है वहां पे पहले ही क्या होगा? अस्त होगा। तो उदय कहां हो रहा है सबसे पहले? सिलाना गांव, राजा केड़ा तहसील, धौलपुर। अस्त भी कहां होगा? तो इसके दो क्वेश्चन बनते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय, राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय या सर्वप्रथम सूर्य उदय कहां होता है? सिलाना में गांव में। राजस्थान में सबसे पहले, राजस्थान में सबसे पहले सूर्य अस्त कहां होता है? सूर्यास्त वही सिलाना, जहां पे सबसे पहले उदय होगा वहां सबसे पहले क्या होगा? अस्त। अब बताइए सबसे बाद में कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर। कटरा तो गांव है, तहसील पूछे तो तहसील सम, तहसील है सम, और जिला पूछे तो जिला जैसलमेर, जिला जैसलमेर। तो आप बताइए कटरा गांव, सम तहसील, जिला जैसलमेर, राजस्थान में सबसे अंत में सूर्य उदय कटरा गांव, सबसे अंत में सूर्य अस्त भी कटरा गांव। कौन से में? कटरा गांव। राजस्थान में सबसे अंत में सूर्य उदय कहां होता है? कटरा गांव में, कटरा गांव में। सबसे अंत में अस्त भी कहां होता है? कटरा गांव में। अरे जहां पहले उदय होगा वहां पहले अस्त होगा, जहां बाद में उदय होगा वहां बाद में ही अस्त। बस। तो राजस्थान में सबसे अंत में सूर्य अस्त, तो वो ये कटरा गांव ही आएगा, कटरा गांव। कौन सा गांव है? कटरा गांव। तो इतने मैटर में किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम है क्या? अब थोड़ी सी करक रेखांश के संदर्भ में अपन बातचीत कर लेते हैं, किस के संदर्भ में? करक रेखा के संदर्भ में।
ठीक है। अब यहां से एक रेखा गुजरती है और उस रेखा का नाम है करक रेखा। क्या नाम है? करक रेखा, करक रेखा। और करक रेखा कोई कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी को ही क्या कहते हैं 23/1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश के नाम से जानी जाती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या करक रेखा राजस्थान के कहां से गुजर रही है बताओ? देखिए दक्षिण से, देशा तो दक्षिण ही हुई ना, तो ये कहां से गुजरती है? तो पहला बिंदु क्या बनेगा? करक रेखा राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है, दक्षिण से गुजरती है। कहां से गुजरती है? दक्षिण से गुजरती है। राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है, एक जिले का नाम है बांसवाड़ा और एक जिले का नाम है डूंगरपुर। यहां से यहां तक की टोटल है जो लंबाई है वो है 26 किलोमीटर, यानी राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है कौन सी रेखा? करक रेखा। राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है। राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? दो जिलों से गुजरती है। दो जिले कौन कौन से हैं विद्यार्थियों? एक तो है डूंगरपुर और दूसरा कौन सा है? बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। राजस्थान में करक रेखा की लंबाई अगर आपसे पूछे तो 26 किलोमीटर। राजस्थान में करक रेखा की लंबाई, राजस्थान में करक रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है विद्यार्थियों? 26 किलोमीटर। ये करक रेखा की लंबाई है कहाँ? राजस्थान। कितने जिलों से गुजरती है? दो से। अच्छा कौन सी नदी है जो करक रेखा को दो बार काटती? माही नदी। उल्टे वी आकार में बहती है राजस्थान में, यानी इससे संबंधित ही क्वेश्चन लिख के देता हूं यहीं। माही नदी करक रेखा को दो बार काटती, जब एक बार प्रवेश करती है तब और एक बार राजस्थान से बाहर निकलती है तब। वैसे आपकी देखी हुई है क्या ये करक रेखा? दिखाई नहीं देती है, काल्पनिक रेखा है, कहीं देखने को चला जाए।
डूंगरपुर बांसवाड़ा ही तो है, कहाँ से गुजरती है? ये काल्पनिक रेखाएं, ये दिखाई नहीं देती। ये भी लिख दो मैं, कारक रेखा एक काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा। अब राजस्थान का 99% भाग शीत कौन से कटिबंध में आता है? कितने प्रतिशत है? 99% भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है या उष्ण में? बताइए। कौन से कटिबंध में आता है? शीतोष्ण में 99%, उष्ण में। अब राजस्थान का 99% भाग किसमें आता है और 1% है शीतोष्ण में, तो सही है, कहां दिक्कत है? आप सही है तो बता रहे हो, विश्वास नहीं है अपने आप में। ऐसे कर्क रेखा से ऊपर वाला उष्ण और नीचे वाला शीतोष्ण। अब देखो नीचे छोटा सा हिस्सा है, यानी अपन ये कह सकते हैं कि ये जो भाग है ना, ये है शीतोष्ण और ये वाला जो भाग है ये क्या है? उष्ण। कटिबंध क्या होता है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कटिबंध। और वो दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। तो ये नॉर्मल सी जानकारी थी। अब बात करेंगे राजस्थान की स्थलीय सीमा। राजस्थान के स्थलीय सीमा, राजस्थान की स्थलीय सीमा। अब स्थलीय सीमा क्या होती है? चारों तरफ की बाउंड्री होती है वो स्थलीय सीमा होती है। राजस्थान की कोई समुद्री सीमा लगती है क्या? नहीं लगती। स्थलीय सीमा लगती है जिसमें दो प्रकार की सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमाएं। यानी अपन बात कर सकते हैं कि राजस्थान की स्थलीय सीमा लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर स्थलीय सीमा की। हाँ, तो ध्यान देना,
राजस्थान की स्थलीय सीमा, और स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। अब स्थलीय सीमा को दो भागों में बांटा गया है, कितने? दो भागों में बांटा गया, कितने भागों बांटा गया है? दो भागों में। एक होगी विद्यार्थियों अंतर राष्ट्रीय सीमा, और एक होगी अंतरराज्य सीमा। ये कौन सी होगी? अंतर राज्य सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा की टोटल लंबाई देखे 1070 किलोमीटर, कितनी आएगी? इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। अंतरराज्यीय सीमा की अगर आपसे लंबाई पूछे तो इसके लंबाई कितनी है? 4850 किलोमीटर। जो कुल स्थलीय सीमा का कितना प्रतिशत है रे बताइए, कितना प्रतिशत है कुल स्थलीय सीमा का? 81.93, ऐसे बोलो ना, 81.93%। और ये कितना है बताइए, है 18.07, 18.07%। बताइए अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से, पाकिस्तान से। और अंतर्राज्य सीमा किन से लगती है? 5 राज्यों से। कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्य कौन कौन से, देखो ध्यान देना। एक तो है पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, इनसे लगती है 5 राज्यों से राजस्थान की अंतर्राज्य सीमा। अब पंजाब से कितनी लगती है, हरियाणा से कितनी, यूपी से, एमपी से और गुजरात से कितनी लगती है? पंजाब से अगर अपन बात करना चाहे तो पंजाब से लगती है 89 किलोमीटर, हरियाणा से 1262 किलोमीटर, यूपी से 877 किलोमीटर, एमपी से 1600 किलोमीटर और गुजरात से 1022 किलोमीटर। बताइए सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किससे लगती है? तो किससे लगती है सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा? किससे लगती है? एमपी से। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा, न्यूनतम अंतर्राज्य सीमा किसे लगती है? पंजाब से। पंजाब से कितनी लगती है विद्यार्थियों? 89।
हरियाणा से 1262, यूपी से 877, एमपी से 1600 और गुजरात से 1022 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है किसकी? राजस्थान की। इतने मीटर में कोई प्रॉब्लम? अब देखो अपने इनके बारे में थोड़ा सा, सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहां से कहां तक फैली हुई है उसकी अगर अपन बात करें तो यहां पर एक बिंदु आता है और एक बिंदु आता है यहां, यानी अंतर्राज्य सीमा यहां से लेकर यहां तक, और यहां पर जो बिंदु आएगा उसका नाम क्या है? हिंदोमले कोट, साथ के साथ लिख लेना ही। क्या नाम है? हिंदोमले कोट। और ये हिंदोमले कोट कहां पड़ता है? गंगानगर में पड़ता है। कहां पड़ता है? गंगा। यहां पर आता है एक स्थान है बाखासर, बाखासरी, और ये पड़ता है बाड़मेर में। यहां तक विस्तार। अब बताइए यहां से लेकर ये जो रेखा है यहां तक की, इसकी लंबाई कितनी है? तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी आई? 1070 किलोमीटर। कहां से? हिंदोमले कोट गंगानगर से लेकर बाकासर बाड़मेर तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिप। क्या नाम है विद्यार्थियों इसका? इस सीमा का नाम क्या है? नाम, तो नाम क्या है? रेड क्लिप। रेड क्लिप। इसका निर्धारण कब हुआ? निर्धारण हुआ था 1947 में रेड क्लिप का। सर रेड क्लिप नामक अंग्रेज अधिकारी था, उसने इसका निर्धारण किया था। अब बताइए आप रेड क्लिप पे सबसे पहले बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी? 1070। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिप। निर्धारण कब हुआ? 1947। विस्तार कहां से? हिंदोमले कोट गंगानगर से लेकर बाकासरे बाड़मेर तक विस्तार है। अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा इसका? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिले, यही तो बनेगा ना। तो एक तो आ गया गंगानगर, एक आ जाएगा अनूपगढ़, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, और एक बाड़मेर। तो बताइए राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? 6 जिले। तो अपन उनको लिख सकते हैं कि राजस्थान के 6 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, या पाकिस्तान से 6 जिलों की सीमा लगती है। राजस्थान के 6 जिले ऐसे हैं जिनके सीमा
पाकिस्तान से लगती है। किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। छह कौन कौन से विद्यार्थियों? गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, लोधी, जैसलमेर और बाड़मेर। सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी लगती है? सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? जैसलमेर। न्यूनतम, यह तो सर्वाधिक है, न्यूनतम न्यूनतम लगती है किसकी? लोधी की, लगभग 30 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय बीकानेर, नजदीक अनूपगढ़। कौन सा आएगा? अनूपगढ़। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक या निकटतम है जिला मुख्यालय कौन सा है? जिला मुख्यालय बताइए, अनूपगढ़। कौन सा है? अनूपगढ़ जिला मुख्यालय। पहले गंगानगर में था, गंगानगर से अलग होके अलग जिला बन गया ना अनूपगढ़। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा रहेगा विद्यार्थियों? बीकानेर। कौन सा रहने वाला है? बीकानेर। अब बताइए, राजस्थान के छह जिलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो पाकिस्तान के कितने जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है? 9 जिलों की सीमा। कितने जिलों की लगती है? 9 जिलों की सीमा लगती है। और 9 जिले कौन कौन से हैं? अब देखो, एक एक जिले की बात कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। एक जिला है बहावले नगर, एक है बहावलेपुर, रहीम यार खान, और एक आएगा घोटकी। कौन सा आएगा? घोटकी। सुकुर, और इसके अलावा कौन सा आएगा? खेरपुर। कौन सा आएगा? खेरपुर। फिर आता है संगर, फिर आता है अमरकोट, और एक आएगा थार पारकर। ये 9 जिले हो गए।
पाकिस्तान के 9 जिलों की सीमा किससे लगती है? राजस्थान से। और राजस्थान के 6 जिलों की सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से। राजस्थान वाले गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। पाकिस्तान वाले बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, घोटकी, सुकोर, खेरपुर, संगर, अमरकोट और थारपा। ये 9 जिले हैं जिनकी सीमा किससे लगती है? राजस्थान से लगती है पाकिस्तान की। तो ये नॉर्मल सी जानकारी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब हुआ? 1947। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिप। क्या नाम है? रेड क्लिप। लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इंदुमलकोट गंगानगर से लेकर बांकासरे बाड़मेर तक, यहां से लेकर यहां तक टोटल लंबाई कितनी? 1070, जो कुल स्थलीय सीमा की 18.07% कितनी है? 18.07%। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो लगती है जैसलमेर की, और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है फलोदी की 30 किलोमीटर। और इसके अलावा सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय बीकानेर और सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय अनूपगढ़। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अब बात करेंगे विद्यार्थियों अंतर्राज्यीय सीमा की। किसकी बात करेंगे? अंतर्राज्य सीमा की बात। राजस्थान के अंतर्राज्य सीमा, अपने लंबाई की तो बात कर ली थी ना, लंबाई कितनी है? लंबाई बताइए कितनी है? 4850 किलोमीटर, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, सॉरी अंतर्राज्य सीमा की लंबाई है, जो कितनी है टोटल? 81.93%। कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है। राज्यों से लगते हैं। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं, किस प्रकार से इनकी सीमा रेखाएं लगती है, उसकी अगर बात करें तो एक तो आपको ने पढ़ा था कौन सा? पंजाब। एक कौन सा पढ़ा था? हरियाणा। एक यूपी, और एक कौन सा है? और एक गुजरात। अब देखो इनसे कितने कितने किलोमीटर लगती है, यह तो अपने चर्चाएं कर ही ली है। एक राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं। कितने जिले हैं? 2। देखो 2 किस प्रकार से हैं, एक जिले का नाम है गंगानगर और एक जिले का नाम क्या है? बाड़मेर। गंगानगर से पाकिस्तान की सीमा भी लगती है और पंजाब की सीमा भी लगती है, यानी एक तो किससे सीमा लगती है?
पाकिस्तान से और एक है पंजाब से गंगानगर की सीमा। तो पाकिस्तान वाल तो अंतर्राष्ट्रीय हो गई और पंजाब वाली अंतर्राज्यीय हो गई। इधर बाड़मेर से भी दो प्रकार की सीमाएं लगती है, एक तो कौन सी बताइए, पाकिस्तान से और एक गुजरात से लगती है। तो राजस्थान के ऐसे दो जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्य दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं, ऐसे लिखना है आपको। राजस्थान के ऐसे दो जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय या में अंतर्राज्य अंतर्राज्य दोनों प्रकार के सीमाएं बनाते हैं। दो जिले कौन कौन से हुए, गंगानगर और बाड़मेर। और आज की क्लास में विद्यार्थियों हम इतना ही।